ओके, आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। फ्रिज, फ्रीज या रेफ्रिजरेटर या आप जो भी उसे बोलते हो, क्या उसके पहले इंसान आइस यूज करते थे? हाँ, लेकिन कैसे? अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अरे वो ना ऐसे आइस वाले पहाड़ों पे और जगहों पे जाते थे और आइस लेकर आते थे और यूज करते थे। और कुछ लोग बोलेंगे अरे उनको आइस बनाना आता था, वो ऐसा पुराना साइंस बीन्स लगा के आइस बनाते थे। मैंने पता नहीं ऐसे अलग आवाज में क्यों बोला, लेकिन ये दोनों चीजें सही है। बट ये हो गई उन जगहों की बात जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है या आसपास ठंडी जगह होती है। लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अफ्रीका और ऐसे ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने वाली जगहों का क्या? हाय, मैं हूँ रौनक रामटेके और इसी चीज को जानने के लिए इस गर्मी में थोड़ी ठंडी लाते हैं। अबे क्या बोल रहा है यार। अब ये बात तो हम सबको पता है कि आइस इस प्लैनेट पर ऑलमोस्ट शुरुआत से है, लेकिन जब ह्यूमंस को पता चला कि आइस कितनी अमेजिंग चीज है, वो उसे यूज करने लगे और इवन बनाने भी लगे। कैसे? पहाड़ों से या फ्रोजन लेक से आइस काट कर लोग इसे लाते थे और यूज करते थे, और वहां से लाते वक्त ये आइस मेल्ट ना हो जाए उसके लिए इस आइस को सॉडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा, लेदर और ऐसी ही और कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स के साथ स्टोर किया जाता था। आपको तो पता ही होगा कि डेजर्ट एरियाज रात के समय और स्पेशली विंटर्स में काफी ठंडे हो जाते हैं। इसी का यूज करके डेजर्ट एरियाज में आइस स्टोर की जाती थी और इवन बनाई भी जाती थी। ये याकचाल जो मेनली ईरान और उसके आसपास के एरियाज में यूज किया जाता था, ये डेजर्ट में आइस बनाने का और स्टोर करने का एक अमेजिंग एग्जांपल है। अगर आपने किंगडम ऑफ हेवन मूवी देखी है तो उसमें ये सीन में आइस एज अ स्टेटस सिंबल दिखाई गई है, और वो भी डेजर्ट में आइस, अलग लेवल फ्लेक्स। एनीवे, तो ये आइस बनाना, स्टोर करना या लोगों को भेजकर आइस लेकर आना काफी मुश्किल काम था, और इसके वजह से आइस एक लग्जरी आइटम बन गया था। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अमीर लोग इसे अफोर्ड कर पाते थे। तो इस आइस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये चीज एक अमेरिकन बिजनेसमैन के दिमाग में आई। उनका नाम था फ्रेडरिक ट्यूडर, जिन्हें आइस किंग के नाम से भी जाना जाता था। क्यों, जानते हैं इस ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। हाँ, तो बात करते हैं फ्रेडरिक ट्यूडर के इंडिया रिलेटेड आइस ट्रेड की। तो मिस्टर ट्यूडर सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, जो भी वहाँ के आइस पॉन्ड से आइस ब्राजील, वेस्ट इंडीज और ऐसे ही ट्रॉपिकल कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया में इस आइस का काफी डिमांड है, तो उन्होंने बोस्टन से आइस इंडिया एक्सपोर्ट करने का सोच लिया। अगर कोई ये चीज अभी बोल देगा ना, तो आप लिटरली उसको आइस का स्लैब फेंक कर मारोगे। और फाइनली 6 सितंबर 1833 को 4 महीने की जर्नी के बाद टस्कनी नाम की एक शिप कोलकाता के पोर्ट पर आई 180 टन आइस लेकर, जो सॉडस्ट और लेदर जैसी इंसुलेटिंग मटेरियल्स के साथ स्टोर की गई थी। जब ऐसी एक शिप आने की न्यूज कोलकाता में फैली तो लोगों को यह लिटरली जोक लग रहा था। आते आते इस शिप में के 180 टन आइस में से सिर्फ 100 टन लगभग बची, लेकिन ये आइस देखने के बाद लोग एक्चुअली चौंक गए थे। मतलब आप ही सोचो ना, उस वक्त लोगों ने आइस के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना होगा या शायद फोटोज में देखा होगा, तो उनके लिए तो ये भूत देखने के बराबर था। और इसके बाद तो ट्यूडर आइस कंपनी के लिए इंडिया एक बहुत ही प्रॉफिटेबल जगह बन गई। इवन दो आइस एक आम आदमी के लिए लग्जरी आइटम के तौर पे था, लेकिन इसके वजह से आप सोचो कितनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला। मीट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सप्लाई, और ट्रेन आने के बाद तो इस सब को ज्यादा बूस्ट मिल गया, क्योंकि ठंडी चीज फटाफट एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। ये आइस डेफिनेटली एक रेवोल्यूशनरी चीज थी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मान लिया मिस्टर ट्यूडर आइस शिप से इंडिया भेजते थे, लेकिन इतनी सारी आइस हम रखते कहां थे, इंडिया में तो कितनी गर्मी होती है। इसके लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में आइस हाउसेस बनाए गए थे, जो पोर्ट के एकदम नजदीक बनाए गए थे, ताकि जब शिप से आइस आए तो वो जल्दी से जल्दी इन आइस हाउसेस में रख दी जाए। ये आइस हाउसेस स्पेसिफिक वे में डिजाइन किए गए थे ताकि आइस इसमें ज्यादा से ज्यादा देर तक रहे। अगर आप इन आइस हाउसेस को अभी लोकेट करने जाओगे तो कोलकाता के प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट की बिल्डिंग जहां पर है, वहां पर पहले एक आइस हाउस था। चेन्नई में जो विवेकानंद इलम है, वो एक्चुअली एक आइस हाउस हुआ करता था, अभी वो स्वामी विवेकानंद के लाइफ पर बेस्ड एक म्यूजियम है। और मुंबई में काला घोड़ा एरिया में केआर कामा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जहां पर है, वहां पर पहले एक आइस हाउस हुआ करता था। ट्यूडर आइस कंपनी का ये आइस ट्रेड लगभग 20 सालों तक जोरों शोरों से चला, लेकिन अराउंड 1855 में आइस बनाने की और स्टोर करने की अल्टरनेटिव टेक्निक्स आ गई थी, और ये आइस ट्रेड लगभग पूरा ही बंद हो गया था। एनीवे, जाते जाते एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। तो आइस आने के बाद ऑफ कोर्स कुछ ही सालों में हम आइसक्रीम भी खाने लग गए, लेकिन ये लग्जरी आइटम होने की वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसे खा पाते थे। और एक बार 1834 में मुंबई के सर जमशेद जी जीजी बॉय, जो एक बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जिन्होंने मुंबई के लिए क्या कुछ नहीं किया, मतलब उस पर एक अलग वीडियो बन सकता है। अगर आपने मुंबई में जेजे नाम बहुत जगह सुना होगा, तो ये वही जेजे है। तो सर जेजे ने 1834 में मुंबई में एक आइसक्रीम पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने शहर के सारे अमीर ब्रिटिश और इंडियंस को बुलाया था। ये फर्स्ट टाइम था जब कोई आइसक्रीम खा रहा था, और जाहिर सी बात है ये खाने के बाद अगले दिन काफी सारे गेस्ट बीमार पड़ गए सर्दी खांसी और बुखार की वजह से। ये इतनी बड़ी न्यूज बन गई थी कि तब के टॉप न्यूज़पेपर मुंबई समाचार में इसके बारे में छप के आया था, और ये पढ़ के लोगों ने बोला, हाँ बाहर
बाहर का खाओगे तो ऐसा ही होगा। वेल, लोग तो अभी भी यही बोलते हैं। एनीवे, अगली बार आप जब कोई ठंडी चीज खाओगे ना, तो ये आइस की पूरी कहानी जरूर याद रखना। और हाँ, अगली बार ना फ्रिज के दरवाजे को ज्यादा देर तक खुला मत रखना, घर वाले डांटेंगे।